हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 8 के जो भी सवाल थे उन्हें लिया जा रहा है। सारे सवालों को एक वीडियो में नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो भी सवाल एपिसोड नंबर 8 के रह जाएंगे उन्हें आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर से लिया जाएगा, बशर्ते वो जो सवाल हो वो आपके बर्थ डिटेल्स ना हो, वो आपका पर्सनल कोई भी क्वेश्चन ना इंगित हो, बल्कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो कि सार्वजनिक तौर पर हो, जो कि सब सुनना उस प्रश्न का उत्तर चाहें, ऐसा सवाल यदि है तो उसे ज़रूर लिया जाएगा। मैं फिर से आपको आमंत्रित करता हूँ, आप इस वीडियो के कमेंट में जा करके भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, उस सवाल को भी आने वाले एपिसोड्स में लिया जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में ही आपका वो सवाल ले लिया जाए, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूर से मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो एपिसोड है उसमें जरूर से उस सवाल को लिया जाएगा। तो सवाल जवाब जो प्रोग्राम है इसके साथ आप बने रहिए। इसी के साथ साथ पहला प्रश्न आज का ले लेते हैं, समय को ज्यादा न गवाते हुए। इंद्रजीत थेटे जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि मेष लग्न में 12th हाउस में केतु देव क्या फल देते हैं। देखिए इंद्रजीत जी, ऐसा है कि यदि आपने मेरा वो सीरीज देखा है, मुझे लगता है शायद नहीं देखा होगा, मेरे एक सीरीज बने हुए हैं, वो उन सीरीज में मैंने अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भावों में प्लेसमेंट क्या फल देती है यह बताया है। इसी चैनल पर आपको वो सीरीज भी मिल जाएंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजी लेसर इन हिंदी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें भी आपको वो सीरीज मिल जाएगी। उसमें मैंने यह बताया है कि सामान्यतः कोई भी ग्रह 12th हाउस में होता है तो वो अपने अच्छे फल नहीं देता। अब आपने यहाँ मेष लग्न की बात की, मैं तो कहूँगा कोई सा भी लग्न हो जाए, 12th हाउस में यदि केतु बैठेंगे तो वो अपने खराब ही फल देंगे अपनी महादशा या अंतरदशा में। अब 12th हाउस को जो है वो मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, संन्यास का भाव भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए सूक्ष्म कुंडलियों का अध्ययन करना भी बेहद जरूरी है। यदि किसी के लग्न कुंडली में ही 12th हाउस में आप केतु बैठा हुआ देखें तो उसे बस लग्न कुंडली को ही देख करके ये ना कह दें कि भाई आपका तो सन्यास है, या फिर आपको वैराग्य प्राप्त होगा, या फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म कुंडली का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। लेकिन यदि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ चलेगी तो भाई केतु तो खराब ही फल देंगे, ये बात मैं आपसे यहां पर कह देता हूं। इनके बाद कुमकुम जी मुझसे सवाल करती हैं कि सर, अगर अंत नाड़ी वाले व्यक्ति की किसी अंत नाड़ी वाले व्यक्ति से शादी करवा दी जाए तो क्या शादी के बाद किसी की डेथ हो जाती है। कुमकुम जी, आपका जो सवाल है वो कुंडली मिलान को लेकर के है, मैच मैकिंग को लेकर के है। यहाँ पर एक नाड़ी दोष बन के सामने आता है, और यदि नाड़ी दोष होता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई शादी नहीं करना चाहिए। यदि कोई नए कपल्स मेरे पास आते हैं तो, या उनके माता पिता मेरे पास आते हैं तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देता हूं कि शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जो यहां पर सवाल किया है कि क्या डेथ हो जाती है यदि दोनों के बीच में नाड़ी दोष बनता है तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल सकता कि उसकी डेथ हो जाए, बिल्कुल नहीं। मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं है, आप इस बात को समझ जाइए। चाहे आप में मंगल दोषी क्यों ना हो, कई अंधविश्वासी यह मानते हैं कि इस व्यक्ति की शादी पेड़ से करवा दो, कुंभ विवाह करवा दो, घड़े से शादी करवा दो, किसी जानवर से शादी करवा दो, तो उनकी मान्यता में ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति की डेथ होना है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज तक मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है, जितनी किताबें वगैरह पढ़ी हैं वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल जो मेरा नॉलेज रहा है उसके अनुसार मैं कह दूं कि किसी भी दोष की वजह से यदि कोई दो जन की शादी में वो दोष निकलता है तो मृत्यु नहीं होती, डाइवोर्स हो सकता है, बनेगी नहीं ये हो सकता है, बीमार रह सकते हैं, इन अनलकी फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु हो जाए ये नहीं होता। ये आपका प्रश्न का जवाब था। उसके बाद तुषार गर्ग जी मुझसे सवाल करते हैं कि कोई ग्रह लग्न में नीच का हो और नवमांश में उच्च का हो तो क्या नीच भंग राजयोग होगा। तुषार जी, बात ऐसी है कि नवमांश जो है वो एक डिविजनल चार्ट है, कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, मेरे वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। नवमांश एक डिविजनल चार्ट है, जिसे D9 चार्ट भी कहा जाता है, वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए होता है, आपके वैवाहिक जीवन के सूक्ष्म अध्ययन के लिए होता है। और लग्न कुंडली जो है
वो ओवरऑल आपकी लाइफ को बताती है, ओवरऑल सूक्ष्म तौर पर इसमें नहीं देखा जा सकता, फिर उसके लिए डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ता है। तो जब D9 चार्ट जो है सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए है, तो उसमें कोई ग्रह नीच का हो या उच्च का हो, उसका ओवरऑल लग्न कुंडली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वहां पर तो हमें वैवाहिक जीवन के लिए सेवंथ हाउस लग्न इन्हें देखना चाहिए, सेवंथ हाउस लॉर्ड और लग्नेश इन्हें देखना चाहिए। अब यदि सामान्यतः कोई ग्रह ऐसा है जो न कि नवमांश के सेवंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ना सेवंथ हाउस के लॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ना लग्न को रिप्रेजेंट करता है, ना लग्नेश को रिप्रेजेंट करता है, और वो यदि लग्न कुंडली में नीच या उच्च कैसे भी बैठा हो, तो कोई निज भंग राजयोग की स्थिति नहीं बनती। नवमांश एक अलग चीज है, लग्न एक अलग चीज है, इसको हमें नहीं जोड़ना चाहिए। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, बहुत ही अलग अलग चीज दोनों है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो ग्रह यदि लग्न में है नीच का है, यदि लग्न में ही उसका नीच भंग हो रहा है तो वही नीच भंग राजयोग कहलाएगा। ऐसे तो फिर बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स हो सकते हैं, हमें फिर उन्हें भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तुषार जी के बाद मुझसे मनीष जायसवाल जी सवाल करते हैं कि सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, मकर लग्न की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह होंगे तो क्या नीलम पहना जा सकता है और शनि से जुड़े व्यवसाय को अपनाया जा सकता है? मनीष जी ऐसा है कि सही बात है, मकर लग्न की कुंडली में जो शनि है वो लग्नेश है, बहुत ही अच्छे ग्रह है, लेकिन यहां पर हमें लग्नेश का या फिर शनिदेव का स्थिति भी देखना पड़ेगा। यदि शनिदेव तीसरे छठे आठवें या बारहवें भाव में नहीं है, नीच राशि स्थित नहीं है, तो शनिदेव का रत्न जरूर से पहना जा सकता है। एक बात और आपसे कह दूंगा कि शनि देव का डिग्री भी देख लीजिए, उनका बल भी देख लीजिए। अब 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में शनिदेव यदि बैठे हैं तो क्यों फिजूल में उंगलियां भरी जाए। हाँ, शनिदेव यदि अस्त है या फिर डिग्री वाइज कमजोर है तो जरूर से उनका रत्न पहना जा सकता है। फिर आपने कहा कि क्या व्यवसाय उसका किया जा सकता है, तो ये भी मैटर करता है। इसके लिए दशमांश कुंडली का एनालिसिस भी किया जाता है, इसके लिए लग्न कुंडली का एनालिसिस भी किया जाता है। लग्न कुंडली के दशम भाव का, 11वें भाव का, दूसरे भाव का, भाग्य स्थान का, सप्तम भाव का, इन सब का एनालिसिस किया जाता है, तब जाकर के आपको ये बता सकते हैं कि क्या शनि का व्यवसाय किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इस बात को एक शब्द में मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इतना इतना आसान नहीं है इस चीज को कहना, ये एक वृहद विज्ञान है, लेकिन जो मैंने कहा मुझे लगता है आप इस बात को समझ गए। मनीष जी के बाद दृष्टि पटेल जी मुझसे सवाल करती हैं कि अगर विषयोग की सिचुएशन में शनि 0 डिग्री के हों तो क्या विषयोग बनता है? दृष्टि जी, यदि शनि 0 डिग्री के हैं तो ये देखिए कि चंद्र कितने डिग्री के हैं। विषयोग मैं समझा दूं, जिन जिन दर्शकों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि विषयोग चंद्र और शनि इनके इनके कंजंक्शन से बनता है, इनकी युति से बनता है। तो दृष्टि जी ने कहा कि शनि 0 डिग्री है, तो फिर यहां पर ये देखें कि चंद्र कितना डिग्री है। चंद्र यदि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो फिर ये तो विषयोग बन जाएगा। लेकिन हाँ, शनि 0 डिग्री है, चंद्र जो है वो 10 से ऊपर निकल गए, तो फिर कोई विषयोग नहीं यहां पर बना। आप ये कह सकते हैं कि भाई शनि 0 डिग्री है, इसके पास तो बल ही नहीं बचा, लेकिन क्लोज कंजंक्शन, किसी भी योग को बनने के लिए क्लोज कंजंक्शन की जरूरत भी होती है, तो आपको क्लोज कंजंक्शन को भी देखना है। यदि योग की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली किसी इंडिविजुअल ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं तो डिग्री को देख लें, लेकिन लेकिन यदि योग की बात करते हैं, कंजंक्शन की बात करते हैं, तो क्लोज कंजंक्शन कितने दूर बैठे हैं, कितने पास बैठे हैं, इसे भी देखना है। चंद्र यदि ज्यादा करीब बैठे हैं और भले ही शनि 0 डिग्री के हैं, चंद्र 1 डिग्री के हैं, तो विषयोग बनता है, बनेगा। दूरी यदि चंद्र की हो गई तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दृष्टि जी के बाद भूषण जी मुझसे सवाल करते हैं कि जब 4 या 5 ग्रह एक ही भाव में सूर्य के साथ स्थित हों और उस युति में कुछ ग्रह अस्त अवस्था में हों, तो उस अस्त ग्रह की महादशा का फल कैसा होगा? सामान्यतः अस्त ग्रह की जो महादशा होती है वो कोई बहुत खास नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, वो प्रॉब्लम देने वाली हो जाती है सामान्यतः। अब ये भी देखना जरूरी है कि जो अस्त ग्रह है वो योग कारक है या फिर मारक है। यदि मारक है तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगी, लेकिन यदि योग कारक है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्रिएट करेगी, लेकिन मारक ग्रह से कम। लेकिन प्रॉब्लम्स तो होंगी, क्यों प्रॉब्लम्स होंगी? क्योंकि योग कारक ग्रह के पास बल ही नहीं है कि वो अपने अच्छे फल दे पाए।
अब अच्छे फल यदि वो नहीं दे पाएगा तो जरूर से आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ अच्छा हो रहा है। अब जब कुछ अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली खराब ही हो रहा है, ऐसा ही लगेगा। तो वही चीज़ है कि जब ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अपने अच्छे फल नहीं दिखा पाता। मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि योग कारक ग्रह अस्त हो गया है तो उसका रत्न जरूर पहने, ये जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। अब आपको देखना है कि योग कारक ग्रह अस्त है या मारक ग्रह अस्त है। तनय दत्ता जी ये मुझसे कहते हैं कि सर मून चार्ट क्या होता है, प्लीज टेल मी इट्स इम्पोर्टेंस। ओके तनय जी, मैं बड़े लंबे समय से चंद्र कुंडली पर मून चार्ट पर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बड़े लंबे समय से सोच रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों बना नहीं पा रहा हूँ। आपका जो ये प्रश्न है इसे मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, एक अलग वीडियो बना करके मैं बताऊंगा, बहुत ही जल्द वो वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं भी बड़े लंबे समय से इस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। आपका ये प्रश्न मैं यहाँ पर उसका जवाब नहीं दूंगा, थोड़ा सा वृहद है वो, लेकिन अलग से वीडियो बना करके ज़रूर से आपको उसका जवाब मिल जाएगा, और जो भी दर्शक इस बात को इसका सवाल जवाब जानना चाहते हैं उन्हें भी इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतने ही प्रश्न लिए जा रहे हैं, और भी जो प्रश्न बच गए हैं उन्हें आने वाले वीडियो में जरूर से लिया जाएगा यदि वो सार्वजनिक प्रश्न है। तो दोस्तों आपका स्वागत है, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप प्रश्न करें। जो भी वीडियो आपको दिखता है सवाल जवाब सीरीज का, जो भी वीडियो आपको दिखता है वहाँ पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब आपको ज़रूर से दिया जाएगा। नए वीडियोज जो होते हैं उसमें यदि आपके कमेंट्स होंगे तो और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा, धन्यवाद।